हेलो नमस्ते तशदिले, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना हमारे घर के आसपास का जो किचन गार्डन है उसका टूर मैं आपको करवा दूँ। तो यहाँ पे मेरी बुआ सास ने काफ़ी सारी चीज़ें उगाई हुई है, सब्जियाँ, प्याज, आलू और पालक, गाजर, मेथी, आई थिंक एक मेथी है। तो ढेर सारी चीज़ें उन्होंने उगा रखी यहाँ पे, तो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ ये चीज़ें और आपको भी मैं इस गार्डन टूर में लेके आऊँ। बिकॉज़ ये सारी सब्जियाँ, खासियत एक्चुअली इन सब्जियों की ये है, ये सारी सब्जियाँ जो है वो ऑर्गेनिक है, इनमें हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, वो केमिकल बेस्ड वाले, इनमें सिर्फ गाय का गोबर हम यूज़ करते हैं। तो ये धंधाला सा ये किचन गार्डन टूर तीस खिन डो समसा आने तब जो रह आने लसा धंधा। एक्चुअली फिबा अजी सिखशिस यो लाहौली लैंग्वेज खजी सिखशिस नियम तो मैच ही दिया इन्हें तीस मॉडिफिकेशन रिश प्रोनाउंसिएशन लगा अंदर ये आने लसा अनिर दाव अनिल लदेला आने लगी दा खशे अनिया ले दुरा इन्हें तीस निंबा निंबा यो तीस गेम बाद दो हो जो लगा तीस आने लगी दा ओंदी थानेंगे अनेरा अनेरा यूज छोड़ा अने घर घर तपरा थाना रसा संगे चोंग पालक गाजर अने मेथी आइटम चिकनी संदे यूज सर भेजे यो एंड त आइटम खसे तपरा छ क्यों सोल तीस टूअर ते वो सम खचिन लना छे गांजा दिर दे ऑर्गेनिक रे सुबोल ने की मार रहा ऑब्वियसली खाइन लेना केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज छो मारा दिला फजू छपसा रहा यूज छिर रहा अनि अल्लू लसा थंदा अल्लू तो हंजू नंगमी ऑलमोस्ट गंगज तपसर रहा यहाँ दो चोमने खाइन लेना अल्लू अल्लू उस मंगबो रहा अन मी ची तब आने मारे शिम्बा सब्जी शिम्बा ने तो नांगे लतीस एरिया आने मंगबो मार रहा अन मी ची की तब ना टिकट शिम्बा ये क्यों आज आमा यहाँ तीस कॉन्ट्रीब्यूशन टेंगे भेजे हाँ दिल्स हागू में थीडू हम मैं दिला अनि हो या त लेट्स नॉट वेस्ट टाइम डायरेक्टली खुराउन सोला किचन गार्डन खची टूर खिंडो रा। हाँ, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अनि सब्सक्राइब खची गजा लसा खुराउन सो खेसी खुराउन सो यहाँ शिंगले रो डो छियो ना नांगी ना तीस छे डो छे डो ना मैथो डो ना ता तब डो छिन शायो ना अनि ये कमेंट बॉक्स ला शेयर छिना डिग्रे तब मैं नहीं खुराउन सो कमेंट छिना डीर। ये आप देख सकते हैं, ये है आलू का खेत। यहाँ से लेकर लास्ट आपको हल्की हल्की बाउंड्री दिखेगी, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। जूम इसमें हो नहीं रहा अभी फ़िलहाल, जस्ट वो लकड़ी की बाउंड्री है, बस जितने तक आपको थोड़ा दिख रहा है उतने तक ही यहाँ पे आलू लगे हुए हैं। तो ये आलू हमने पूरी फैमिली ने मिलके लगाए हुए हैं लगभग। और ये जो बीच बीच में आपको नालियाँ दिखाई दे रही है इस तरह की, ये बीच बीच में नाली है, तो ये नालियाँ हम इसीलिए रखते ताकि यहाँ से हम पानी भेज सके और सभी आलू को बराबर अच्छे से पानी मिल सके। दीरता ओस मंगबू तब सह छुदुर दिगांज आलू रा जेल थुंगिर दे पक्स पक्स आलू आलू खशी चिंजी चिंजी मांग जे आलू तब पक्स रहा और दे जी दोस्त ने इंजम थुंगिर शिंगा ओस। एक बार हमने निंदाई कर ली है इसमें, तो आलू में एक ही बार निंदाई करते हैं यहाँ पे, तो निंदाई करने के बाद काफ़ी हद तक साफ लग रहा है खेत। थोड़े से आलू यहाँ पे भी उगाए हैं। तो ये है प्याज वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ये है प्याज। प्याज जमीन के नीचे उगेगा बट ये प्याज वाला प्लांट है। और जो भी ये फालतू का दिख रहा है आपको ये सारा घास है, अभी इस वाले एरिया में निंदाई नहीं हुई। चुम छिपो छुम्बो थुंगिर दे जिला पक्स ले गया
एज अ सैलड भी खाने को हो जाता है, फिर सब्जी बनाने के लिए भी हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा बिकॉज इस वाले प्याज के हिस्से में निंदाई हो चुकी है ना, तो इस वजह से क्लियरली नज़र आएगा कि ये वाला जो है वो प्याज का ही खेत है। सांगमा चिंथोंग द्वा सोंग जिरांग सिंगर इसलन दी गांजा अनी छी गुर दा मंजू दो शिंबा शिंगा छे अना ला छी। तो ये है फ्रास्बिन वाले, फ्रास्बिन का प्लांट, थोड़ी सी फ्रास्बिन यहाँ पे लगाई हुई है। फ्रास्बिन का जी दली हुआ दी एच दी एरिया दी ता दी खरी ना हम फ्रास्बिन डो डो तुरा फ्रास्बिन यहाँ डो यूगी रोज तू मेगी रोज तू खा शिखर जी ना दी। ये वाला है गोभी, बंद गोभी का प्लांट, और ये है फुल गोभी का। ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा, अभी वक्त लगेगा इसको तो अभी। और ये है चुकंदर वाला प्लांट, रेड रेड चुकंदर, चुकंदर जो है माऊ शलगम डो जो है दी स्किन के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहता है इसका ना, स्किन बेनिफिशियल। ये वाला है पालक वाला प्लांट, यहाँ पे थोड़े ही लगाए हुए हैं तो मिक्स मिक्स है लगभग, बाकी जगह पे थोड़ा सा थोड़े ग्रुप ग्रुप में लगाए हुए हैं। ये वाला एरिया शायद घास घास का ही है। तो ये है गाजर वाला प्लांट, गाजर ज़मीन के नीचे उगेगा, अभी कुछ एरिया में निंदाई हुई है कुछ में नहीं हुई है। गाजर ला फिर तो खड़ लगी ना ठेम्बा जिसता हो जीता मोछा है रोशमी दो ठीक खसी खसी ये ठेम्बा जी दुआ ती कहाँ सा गाजर गजर दे किमा कि माल पालक भी तब से दो जूम छी दूम बीच बीच में यहाँ पे पालक भी लगे हुए हैं। गाँव से गाजर दी। अब ये सारा दाल वाला एरिया है, दाल गजी एरिया और गाँव यो चुंज रिश्ता दी राजमा ही ना फ्रस भी नहीं ना दी था गोई मुद्रा भेजी दी राजमा ही सर ये समझुल। आई थिंक ये वाला जो प्लांट है ये मेथी का है आई थिंक, अगर कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मेथी सर रहा ती सैलड थूंग दे सैलड तो ये नहीं जमू दो, ये वाला एरिया जो है वो सैलड वाला एरिया है। एंड दैट्स इट, सैलड वाला एरिया लास्ट है, बाकी तैयार होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा सब कुछ। और ये जो फालतू की चीज़ है ये सारा घास है बिकॉज अभी यहाँ पे निंदाई नहीं हुई है।